TDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. महिलाओं को एसटी बस में आरक्षण मिलने के बाद ऑटो चालक की कमाई कम हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना ठाकरे गट के पदाधिकारियों द्वारा ऑटो चालकों के हित में निम्न मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा अब महिलाओं को एसटी बस में आरक्षण दिए जाने के बाद अब महिलाएं ऑटो में सवार नहीं होती, जिसकी वजह से स्थानिक ऑटो चालकों की कमाई आधी से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑटो चालक व मालक ऑटो की किस्त तो दूर अपना घर भी ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि युवसेना ठाकरे गट के जिलाध्यक्ष लोकेश बावनकर व ऑटो मालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन गरीब ऑटो चालकों के लिए सहायता की मांग की है। क्या हमारी गाड़ी है, लेकिन एमआई हमारी निकल नहीं पा रही है, और बस पे बस इतनी चल रही है कि एक के पीछे एक चार चार बस आ रही है। मुश्किल से 200-300 रुपए बचाए तो बचाए, नहीं तो कभी कभी तो खाली भी जाना पड़ता है। आगे किसी की तबीयत भी खराब होती है तो भी इलाज नहीं कर सकता सर, अभी क्योंकि अभी कमाई है नहीं कुछ भी। अभी साहब 200-150 नहीं होती, कोई भाई नहीं बैठते, कोई सवारी नहीं बैठते। और साहब हमारा तो घर का किराया नहीं निकल रहा है, स्कूल के बच्चों का फीस, बाल बच्चे, तीन बच्चे, तीनों की फीस नहीं भर पाए। एक से डेढ़ महीने पहले जो निर्णय हुआ है 50% महिलाओं को टिकट में जो आरक्षण दिया गया है, उस वजह से इनके ऑटो स्टैंड पे इनकी ट्रिप नहीं लगती। महिलाओं को जो छूट दी गई उस पर क्या आप लोगों का विरोध है क्या? नहीं नहीं, उस पर कोई विरोध नहीं है, वो तो स्वागतार्य निर्णय है, पर उसके साथ ही साथ इन लोगों का भी विचार होना चाहिए था सरकार में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो वही परिवहन मंत्री है, और परिवहन मंत्री जी जो एकनाथ शिंदे जी है उनको हमारा अनुरोध है, और हमारे कन्हान वाहतूक सेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे पक्ष की तरफ से अनुरोध है कि इन लोगों को दिल्ली जैसी पेंशन स्कीम दी जाए, इनको हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जाए, इनके बच्चों का एजुकेशन मुफ्त किया जाए, और इनको सहूलत दी जाए। जो भी इनका लोन है चल रहा है वो लोन माफ़ किया जाए, जैसा कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया वैसा ही हमारे ऑटो चालक भाइयों को भी आरक्षण दिया जाए। सर्वप्रथम हम इस नागपुर के सुपुत्र महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इस नागपुर के सुपुत्र केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, इनको हम हमारे वाहतूक सेना के माध्यम से निवेदन देने वाले हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को हम पोस्ट से, हमारे सारे वाहतूक सेना के भाई ये सब उनको पोस्ट करने वाले हैं, पत्र भेजने वाले हैं, और निवेदन करने वाले हैं कि आप हमारी इस समस्याओं को सॉल्व कीजिए। आपने जो महिलाओं के लिए निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पर हमारा जो भविष्य अंधकार में गया है उसके लिए आप हमें मदद करें, ऐसी हम ये मांगनी करने वाले हैं। कन्हान से BCN न्यूज के लिए वीर सिंह की रिपोर्ट। एनरोल नाउ, फॉर मोर डिटेल्स कॉल